सोमवार तो को आईआरसीटीसी मचाएगा धूम हाँ जी तो सबसे पहले मैं आपका स्वागत करना चाहता हूँ हमारे चैनल इन्वेस्ट फॉर में और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल इन्वेस्ट फॉर को सब्सक्राइब करें शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ ताकि इस तरीके की वीडियो आपको डेली बेसिस पे मिलती रहे तो एक बेहतरीन न्यूज आई से रिलेटेड आ चुकी है स्टॉक स्प्लिट से रिलेटेड वो न्यूज देखेंगे देखेंगे की कहां तक ये शेयर मंडे को भाग सकता है और किस तरीके से आपको यहां पर, पर आप, तो कर इस, इस तो होल्ड करना कितनी बार वीडियो बनाई है अच्छे खासे आप लोगों ने यहाँ पर देखी भी है हमारे चैनल को भी अप्रिशिएट किया हमारे वीडियो को भी अप्रिशिएट किया है तो उसके लिए थैंक यू तो बिफोर दैट हम आगे बढ़े सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि बैंक सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है बट अपनी तरफ से आपको कुछ टिप्स देना चाहूंगा क्योंकि ऐसे टाइम पे शेयर बहुत भागते हुए दिखाई देते हैं तो उस चीज़ का कैसे फायदा उठा सकते हैं और, और सोमवार को ये अच्छी खासी न्यूज़ की वजह से शेयर भागता हुआ दिखाई दे सकता है तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कल की डेट में भी यहाँ पर तीन चार वीडियोज़ बनाई गई है आप यहाँ पर इन वीडियो को जाके देखिए चेकआउट करिए आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ है और अस, अस, और आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हमारी हर एक वीडियो को लाइक जरूर कर दिए करें क्योंकि लाइक करने से होता है कि YouTube आगे दूसरे लोगों को भी यहाँ पर रेफर करता है हमारी वीडियोस और कहीं ना कहीं दूसरे लोगों को भी वो नॉलेज

तो ट्वेल्थ ऑफ अगस्त को है यहाँ पर थर्सडे uh, तो मतलब कमिंग uh, थर्सडे को कमिंग तो नहीं uh, एक दो वीक के समझ लीजिए तो यहाँ पर जो थर्सडे आएगा वहां पर इनकी बोर्ड मीट होने वाली है और बोर्ड मीट में यहाँ पर फाइनेंशियल रिजल्ट एज वेल एज यहाँ पर स्टॉक स्प्लिट दोनों से रिलेटेड यहाँ पर न्यूज यहाँ पर आती हुई दिखाई देगी और जब ये दोनों से रिलेटेड न्यूज आती हुई दिखाई देगी तो यहाँ पर आप समझिएगा कि अच्छा खासा पैसा आपका बनता हुआ दिखाई देगा तो आई की बात करें तो देखिए ट्रेन अच्छी खासी यहाँ पर चली है ओके okay, इस बार और थोड़ा सा लॉकडाउन था बीच में तो थोड़ा सा यहाँ पर इनकम में थोड़ी सी अप डाउन हो सकते हो सकते हैं बट इतना गिरावट नहीं होगी और हम बात करें यहाँ पर रेवेन्यू वगैरह की तो वो भी ठीक ठाक यहाँ पर होती हुई दिखाई देगी और अभी अगर जो जिस तरीके की यहाँ पर स्टॉक स्प्लिट और रिजल्ट से रिलेटेड न्यूज़ है तो शेयर और तेज यहाँ पर भागता हुआ दिखाई दे सकता है तो अगर हम यहाँ पर आई से रिलेटेड कुछ पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर देख लेते हैं आपको पता ही है आई किस बिजनेस में यहाँ पर रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म यहाँ पर बिज़नेस में है तो यहाँ पर अब सब बिजनेस यहाँ पर इसके रीओपन होते हुए दिखाई दे रहे हैं मार्केट कैप लार्ज कैप कंपनी है 700 करोड़ की यहाँ पर मार्केट कैप है इसके अलावा डेट फ्री कंपनी है आरओसी 16% की अब कम हो गई आरओसी पहले इसकी आरओसी कहाँ पर 60% और 40% हुआ करती थी अभी कम हो गई बट नॉट एन इशू यहां पर सब कुछ टाइम के अकॉर्डिंग होता है

फिफ्टी टू वीक हाई लगा के यहाँ पर आया भी है ऑल टाइम हाई भी कह सकते हो फिर उसके बाद अभी नीचे आया था फिर अब बात करें तो कल मंडे की डेट में ये न्यूज आने के बाद शेयर में एक बेहतरीन यहाँ पर जंप आ सकती है ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी यहाँ पर अच्छा खासा हाईएस्ट एवर है और यहाँ पर अगर बात करें नेट प्रॉफिट वो भी अच्छा खासा है हाईएस्ट एवर अच्छा हाँ तो नहीं बट अगर बात करें अच्छा खासा नेगेटिव

बात करें तो डी ने भी यहाँ पर हिस्सेदारी अपनी बढ़ाई है 11.29 कर दी और पब्लिक की बात करें पब्लिक के पास हिस्सेदारी इसकी कम होती जा रही है और जब यहां पर पब्लिक की हिस्सेदारी कम होती रहे तो समझ लेना शेयर को ऊपर जाना है क्योंकि पब्लिक को ओ, अगर बात करें पब्लिक में रिटेल इन्वेस्टर भी आते हैं ऑपरेटर्स भी आते हैं सब कोई आते हैं बट स्टिल अच्छे शेयर को बड़े लोग खरीदना पसंद करते हैं और, 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 हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर बेचना पसंद करते हैं तो एक ही ये रीजन हो सकता है बट हम बात करते हैं कुछ स्ट्रेटेजी की जो कि स्ट्रैटेजी मोस्टली टाइम पे काम आती है ओके और नई भी काम आई फिर भी आपका कोई घाटा नहीं है मतलब विन विन सिचुएशन जिसे कहते हैं ना कि ये हुआ तो भी प्रॉफिट नहीं हुआ तो भी प्रॉफिट तो कैसे अगर देखिए कल की डेट में अगर आप शेयर खरीदते हैं मान लीजिए कि आपने मंडे को यहाँ पर शेयर खरीदा तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो तो भी अगर कल की डेट में या नीचे आ जाता है या नहीं भागता तो देखिए कोई घाटा नहीं है क्योंकि यहाँ पर ये मोनोपोली बिजनेस है शेयर को ऊपर जाना ही है थोड़ा सा पेशेंसली वेट करना पड़ेगा बस शेयर को ऊपर जाना है बट अगर हम बात करते हैं क्या कि अगर ये शेयर इंडियन रेलवे का ओके कल की डेट में जैसे कि स्टॉक स्प्लिट की न्यूज आ गई है और ये शेयर को भाग नहीं है तो यहाँ पर अगर देखे तो ये शेयर अच्छा यहां पर कल की डेट में भाग सकता है सबसे पहले तो ये अपना प्रीवियस हाई को भी तोड़ेगा और इसके रिजल्ट अभी अच्छे आने हैं क्योंकि तो उससे पहले जब रिजल्ट थे उसमें लॉकडाउन का असर था आ, मार्च के जो क्वार्टर ये क्यू वन के है इसमें भी थोड़ा बहुत असर दिख सकता है बट उस हिसाब से असर नहीं दिखेगा क्योंकि ट्रेन अच्छी खासी स्पीड में चली है तो रिजल्ट भी काफी बेहतरीन टेट चौबीस सौ नब्बे का है अगर आपके पास पैसे है तो in stock, जब यहाँ पर ये, आ, रिजल्ट उससे पहले तो देखिए यहाँ पर तक जाना ही है बट एक बार स्टॉक स्प्लिट की न्यूज आएगी कि कितने का स्प्लिट दे रहे हैं मोस्टली क्या होता है कि टेन का फेस वैल्यू है अगर हम यहाँ पर देखते हैं आई का तो टेन का फेस, फेस वैल्यू है तो मोस्टली या तो 5 के फेस वैल्यू पे लाएंगे या फिर दो के फेस वैल्यू पे लाएंगे तो अगर दो के फेस वैल्यू पे लाएंगे तो आपको पांच शेयर पर एक्स्ट्रा मिलते हुए दिखाई देंगे और जब पांच शेयर यहाँ पर एक्स्ट्रा मिलते हुए दिखाई देंगे तो स्प्लिट तो उसी हिसाब से होगा बट स्प्लिट से पहले ये शेयर शायद आपको तीन रुपए तक भी जाने को दिख सकता है तो यहाँ पर न्यूज आएगी कब यहाँ पर रिकॉर्ड डेट आएगी कब एक्स डेट आएगी ये सब चीज आएगा तो वहां पर उसके इसमें आप क्या कर सकते हैं उसके इससे पहले जब तक स्प्लिट होगा उससे पहले शेयर डेफिनेटली आईआरसीटीसी है मल्टीबैगर रिटर्न देने वाला मोनोपोली बिजनेस का है तो यहाँ पर ये यह जो शेयर है अच्छा खासा यहाँ पर अभी तो 2474 -24 जो कि अगर हम यहाँ पर बात करें ज्यादा कुछ खास यहाँ पर नहीं है कुछ 3 4% होगा बट बट अगर हम बात करते हैं तीन हजार रुपये तक अगर ये शेयर चले जाता है अगर हम यहाँ पर देखते हैं और जो कि जाना भी चाहिए क्योंकि काफी यहाँ पर इसने कंसोलिडेशन यहाँ पर फेस किया है फिर यहाँ पर भी ज्यादा यहाँ पर भागा नहीं है यहाँ पर फिफ्टी परसेंट के या फिर सिक्सटी परसेंट के रिटर्न इसने अभी तक दिए है और जबकि दूसरी कंपनी ने हंड्रेड तक के रिटर्न दे दिए तो शायद ये शेयर आप थ्री थाउजेंड तक यहां पर जब इसकी रिकॉर्ड डेट होगी स्प्लिट यहां पर होगा ये शेयर उससे पहले पहले शायद तीन हजार रुपए तक जाता हुआ दिख देख सकता है उसके बाद क्या करना है उसके बाद देखिए मोस्टली जब इस तरीके की आती है जब जिस दिन स्टॉक स्प्लिट हो जाए तो आप अपने जो मेन शेयर है क्योंकि जिस दिन स्टॉक स्प्लिट हो जाते हैं ना उस दिन एक छोटी सी जंप आती है तीन परसेंट कह लीजिए पांच परसेंट कह लीजिए या दो परसेंट कह लीजिए एक छोटी सी जंप आती है उस टाइम वहां से आप आप निकल सकते हैं और आपके जो दूसरे स्प्लिट वाले शेयर है वो आपके क्रेडिट हो जाए ओके okay, उस टाइम और बीच में फिर उसके बाद शेयर कोई भी ले लीजिए डिक्सन टेक्नोलॉजी एग्जाम्पल देता हूँ देखिए यहाँ पर आपको काफी सारे एग्जाम्पल दे देता हूं ताकि आपको समझ में आए तो देखिए टेक्नोलॉजी का OFS आया ओ एफ एस सॉरी यहाँ पर स्प्लिट हुआ स्प्लिट आने के बाद यहाँ पर शेयर नीचे आया तो यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी बन जाती है कि आप पैंतालीस सौ की जगह यहाँ पर खरीदे फिर तो उसके बाद अच्छी खासी रैली हुई इसके अलावा मैं आपको और दिखाना चाहता हूँ वरुण बेवरेजेस ओके इस यहाँ पर भी अगर बात करें यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर स्प्लिट आया सॉरी स्प्लिट नहीं बोनस दिया था इसने तो बोनस के बाद शेयर गिरता हुआ दिखाई दिया आज फिर ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया तो इस तरीके से उसी दिन या फिर अगले दिन यहाँ पर शेयर गिरता है तो उस टाइम बेच के स्मार्टली स्विंग ट्रेडिंग के पर्पज से बता रहा हूँ लॉन्ग टर्म जो है वो कैरी ऑन बाकी अगर इस तरीके से ये शेयर गिरा ओके अच्छी तरह कितने नौ सौ चौतीस रुपए से आठ सौ बयालीस मतलब सौ रुपए के आसपास यहाँ पर गिरा फिर दोबारा भागता हुआ दिखाई दे रहा है तो इस तरीके से आप इसका स्मार्टली यूज करके अच्छा खासा यहाँ पर पैसा बना सक बना सकते हैं और एक और शेयर दिखा देता हूँ आप देखिए एलका माइंस सेम सेम चीज होती हुई दिखाई देती है अच्छा खासा है आप छियालीस सौ पे सॉरी यहाँ पर शेयर आया मतलब कितना इतना स्प्लिट बोनस दिया था स्प्लिट दिया था यहाँ पर शेयर आया था छत्तीस और आज देख लीजिए कि कितना है तैंतालीस तो इस तरीके से ही होता है इस तरीके से आप इनकी एक्टिविटीज को देख के मार्केट में क्या चल रहा है एग्जैक्टली उस चीज को देख के आप हर चीज का फायदा उठा सकते हैं और अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं और अगर जिसे बाद में खरीदना है तो बाद में जब ये स्प्लिट देगा कब देगा शायद एक से डेढ़ महीना इसे लग जाएगा ओके नेक्स्ट मंथ ही शायद होता हुआ दिखाई देगा उसके बाद शेयर गिरेगा

पता है कि इस तरीके से काफी बेहतरीन प्रॉफिट होता हुआ दिखाई देता है और अभी हमने किसके लिए यहाँ पर किया है एपीएल अपोलो यहाँ पर था एक शेयर यहाँ या, पर देखिए इसके भी यहाँ पर बोनस से रिलेटेड न्यूज है तो अगर हम देखे तो यहाँ पर शेयर चल रहा है ओके okay, यहाँ पर भी दोनों तरफ से बिन बिन सिचुएशन है अच्छा खासा यहाँ प्रॉफिट होता हुआ दिखाई देगा थोड़े थोड़े शेयर उठाए बट फिर भी अपनी स्ट्रेटेजी के हिसाब से उठाया है तो क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट होता ही है बेहतरीन स्टॉक है बाकी वीडियो अच्छी लगी और लाइक कमेंट शेयर करिए लाइक तो डेफिनेटली कर लीजिए और शेयर करना भी मत भूलिए सो थैंक यू सो मच गॉड प्लस